आंसर सबको एवरी वन में डालना है, ये नहीं कि कोई पर्सनल मैसेज कर रहा है। किसी को अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वो पूछ सकता है, मैं उसको समझा दूंगा बेटा। कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर एयू क्या क्या लिखेंगे? और एक आंसर सबको देना है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस आईटी जेई प्लस नीट, ये दोनों जो आएगा वो आईपीएससी जो पहले ऑर्गेनिक का आता था, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, वो नहीं आता है। सर, वो 8th में अपने एन ही लिखा है या एन ओ? जरा जोर से बोलो बेटा। 8th नंबर में एन ही लिखा है या एन ओ? फिफ्थ एट्थ एट्थ NA3 है वो, कहाँ पे बात कर रही है एट्थ वन। हाँ बस वही। ये ना, हाँ यही कह रही है हाँ सर होगा। एनए थ्री NA3। है ना? हाँ, NA3। लोग सुधार दिया मैंने उसको भी। सिल्वर को क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट लिखेंगे सिल्वर को, समझ रहे हैं ना? आराम से लिखिए, बस यहीं पे ऑन द स्पॉट सीख जाइए, काफी है, बात का लफड़ा खत्म करिए। बेटा क्या हुआ?
नहीं हुआ क्या? ज्यादा ही लिख दिया मैंने बोर्ड पे। अच्छा ठीक है बोलो। क्या हुआ प्रिया? नहीं आ रहा बेटा? सर खुल तो रहे। हाँ रहना। सर हो रहा है। कब? आज ही हो जाएगा क्या? रहना बता बेटा, हाँ आज ही हो, सर। आज ही हो जाएगा ना? चलो हाँ ठीक है फिर। स्मित, स्मित कवाथिया बोल बेटा। यस सर कर रहा हूँ, कब करेगा बेटा? अभी करूँगा। जल्दी करो। कथन पटेल। सर नहीं कर रहा है क्या? जल्दी नहीं सर चालू ही है। जल्दी करो बेटा। और कौन बचा? पार्थ प्रजापति। जो इनको सही लिख देगा सारे के सारे, मान लो उसको आ गया।
कुछ हुआ? अब तो नहीं होगा यार, मुझे लग रहा प्रिया हो गया। सर आंसर तो आ गए पर लिखने में बहुत टाइम जाएगा। तू लिखिए मत, एक काम करिए मैं ही लिख देता हूँ बोर्ड पे, आप लोग जिसके आंसर सही है मिला लीजिएगा, समझ रहे हैं ना? है ना, हाँ सभी लोग ऐसा करिए, टाइप मत करिए बेटा, ये सब मत करिए, मैं ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए बस, डबल लफड़ा मत करिए, ईमानदारी से देख लो, जिसका आंसर आया है वो सही कर मान के चलिए, जिसका रॉन्ग आया वो उसी के लिए गलत है ना, मेरे लिए थोड़े ना वो गलत। तो देखिए पहले का नाम लिखता हूं यहाँ पे, जरा देखो ध्यान से, पोटेशियम, पोटेशियम डाइसाइनाइडो, ठीक है ना, अर्जेंटेट, जहां पे जिसको दिक्कत आएगी वो पूछ सकता है, थर्ड आयन, ठीक है ना, दूसरा क्या होगा? सर हाँ जैसे आपने लास्ट में अल्फाबेटिक और ऑर्डर में अरेंज किया था तो इसमें नहीं करने का, इसमें ये आपने लिखा उसमें। अल्फाबेटिकल कैसे, जब लिगेंड दो होंगे तभी तो करेगी, हाँ लिगेंड कहाँ है, दो है क्या? नहीं, लिगेंड दो कहां से है यार, है हाँ सर पता सर। आ रही है, ये आराम से निकालना पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आराम से निकालना पड़ता है कॉपी में, है ना, आप डायरेक्ट मत लिखना, मैं तो बस ऐसे ही कर दे रहा हूं उसको, क्या कह रही है, क्या बोल रही है, जरा बोलो बेटा दोबारा बोलो, तो क्या कह रही थी, अरे हाँ सर क्लियर हो गए। समझ में आ गया ना जो कंफ्यूजन हुआ था? यस सर। चलो दूसरा देखो बेटा, 1 2 3 तीन टाइप के लिगेंड, एक नाइट्राइडो है और एक अमाइन अमाइन है, दूसरा क्लोरीन है, तो आपके पास सबसे पहले आता है टेट्रा अमाइन, दूसरा उसके बाद आएगा बच्चों क्लोरीन और नाइट्राइडो में क्लोराइडो, फिर उसके बाद आएगा नाइट्राइडो, नाइट्राइडो प्लेटिनम, कितना सल्फेट आ रहा है जरा देखो तो, कितना आएगा बेटा देखो, इधर से ये यहाँ सर में चला जाएगा, इधर से ये -1 उधर जाके +3 हो जाएगा ना, +3 आया ना, कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, देख लो यहां से ये +2 में जाएगा ना, और इधर से ये उधर जाके कितने में आ जाएगा, देखो कोई कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, तुम लोगों का कितना आया है ऑक्सीडेशन, आप लोगों का कितना आया बेटा कॉपी में, 4 4 ऐसे फोर कैसे आया, एक मिनट चेक करने दो, इसको मैं डिटेल में निकाल देता हूं, देखो एक्स प्लस -1 प्लस -1 + 0 इज इक्वल टू +2, एक्स इज इक्वल टू +2 यहां से, अच्छा ये ठीक, +4 ही आएगा,
है ना, एनओ टू का माइनस वन, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिटेल में निकालना पड़ता है, है ना, जब रफ कॉपी में निकाल रहे होंगे तो डिटेल, मैं उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बस खाली, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, जब चेंज आएगा तभी मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे। इधर देखो, इसमें आएगा आपका ये NO2 है, इसमें देखो एक तो ये है अमाइन है, NO2 है, क्लोरीन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई अमाइन, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो नाइट्राइटो कोबाल्ट, कितना आ रहा बेटा इसका देखो, माइनस टू माइनस वन इजिकल टू कितना है, प्लस थ्री आ रहा है ना सभी का, देख लो भाई, कोबाल्ट थर्ड है ना, देख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट को, मैं थोड़ा सा रेंडमली कर रहा हूं, यहां पे देखो ये हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का पोटेशियम, पोटेशियम अमाइन ट्राइक्लोराइडो है ना, प्लेटिनम, प्लेटिनेट, सॉरी प्लेटिनेट आएगा, ध्यान रखिएगा है ना, इधर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री इजिकल टू, ये उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, एक्स इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस, तो ये प्लस टू आ जाएगा, फाइव नंबर पे देखो एक्वा भी है अमाइन भी है, अब ए से दोनों क्या आ रहे हैं, ए के बाद क्यू आ रहा है और ए के बाद एम आ रहा है, तो पहले कौन आएगा, क्यू वाला आएगा, क्यू वाला आएगा या एम वाला आएगा, एम वाला आएगा, अमाइन पहले है ना, तो हम बोलेंगे इसको टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा, निकल सल्फेट, कितना सल्फेट आया जरा देखते हैं एक मिनट, देखो बच्चों, अच्छा निकल सेकंड सल्फेट आया, ठीक है ना, मिटा दूं क्या इसको, अरे मिटा दूं, बोलो कोई नोट तो नहीं कर रहा है ना, आगे कौन सा वाला था, ये वाला, तो इसमें क्या आएगा बेटा देखिए कौन से नंबर का है, सिक्स, सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट, ऑरेट आएगा इतना, ऑरेट आएगा ना, तो इधर से क्या हो गया माइनस टू एक्स प्लस इक्वल टू कितना होगा माइनस वन, प्लस उधर जाएगा तो ऑरेट फर्स्ट, यही है ना, सेवन नंबर पे देखो बच्चों, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा प्रॉपर सेकंड सल्फेट, सेकंड ही आ रहा है ना, देख लो, यस सर,
नीचे देखिए एट पे सोडियम, इसको ट्राई सोडियम मत लिख देना, सोडियम लिखेंगे। तीन सोडियम का कैसे पता लगेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लग जाएगा तीन सोडियम का, समझ रहे हैं ना? हेक्सा नाइट्राइड टू कोबाल्ट, कितना है देखते हैं। ये देखो बेटा माइनस सिक्स एक्स प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री, तो ये पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको ये मत लिख देना ट्राई सोडियम मत लिख देना। तीन सोडियम का कैसे पता लगेगा? यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से खुद पता लग जाएगा, है ना? आपको बस खाली सोडियम लिखना है, कैटायन का नाम लिखना है, कितने हैं, कहाँ है, क्या है, ये सब नहीं लिखना है। एक सोडियम पे चार्ज प्लस वन होता है तो तीन पे कितना होगा बेटा प्लस थ्री, है ना? इधर देखो जरा, यहां भी ऐसे ही लिखना है, पोटेशियम टेट्रासाइनाइड अपने आंसर चेक करते जाइए सारे स्टूडेंट। निकलेट, निकलेट कितना आयन है देखो, आयन लिखना जरूरी है, कैटायन और एनायन के पीछे आयन लिखना जरूरी है, न्यूट्रल के पीछे तो नहीं लिखेंगे ना, लेकिन कैटायन और एनायन के पीछे आयन लिखना जरूरी है, ठीक है ना? जैसे आयन कहीं पे भी अगर छूटा है तो आप समझ जाइए कि आयन लिखना जरूरी है आपको, कैटायन और एनायन के पीछे आयन लिखना जरूरी है। इधर देखो कितना आयन हो रहा है बेटा ये, है ना? इधर देखिए ये इधर ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पे माइनस फोर एक्स प्लस माइनस फोर उधर जाके माइनस फोर हो जाएगा और ये इधर से पीछे प्लस में आएगा, ये तो जीरो आ रहा है ना, तो आयन मत लिख, जीरो वाले पे आयन मत लिख देना, ऑक्सीडेशन ऑलरेडी जीरो आ रहा था क्यों लिखेंगे आप, समझदार तो हुई आपने, ठीक है ना? चलिए इस लाइन को मिटा देता हूं। टेंथ नंबर पे देखो बेटा, टेंथ नंबर पे देखिए क्या है, ये देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये ट्राइफिनिल फास्पीन है, तो इसको बोलेंगे पेंटा कार्बोनिल, ठीक है ना? ट्राइफिनाइल क्रोमियम जीरो, है ना? जीरो ही क्या है, दोनों के दोनों न्यूट्रल लिगेंड हैं, लिखाया होगा देख लीजिएगा अपनी कॉपी में, है? इसीलिए तो मैंने जो है शुरुआत का जो संडे के दिन लेक्चर पढ़ाया था इसीलिए ये सब बातें पढ़ाई थी कि बार बार आप लोगों से दिक्कत ना हो, गलतियां ना हो, मिस्टेक ना हो, है ना? इलेवेंथ देखो बेटा, देखो ये क्या है, देखो भाई, ठीक है ना? इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख दीजिए, फाइव लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख लो। C6H5 को क्या बोलते हैं आप खुद ही बोलो, पीएच ग्रुप बोलते हैं ना, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा? इधर देखो PH3P ऐसे ही तो लिख सकता हूं उसको, नहीं लिख सकता हूं क्या? लिख पाऊंगा ट्राई ऐसे लिखते हैं, वैसे तो इसको ट्रिस लिखना चाहिए था, ट्रिस एक्चुअली इसको ट्रिस लिखना चाहिए था, फिलहाल अब ट्रिस वाला तो अभी बताया नहीं मैंने,
फिर भी मैं लिख देता हूँ इसको ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है, इसको आपको फिलहाल जरूरत नहीं है दिक्कत होने की। रहेनियम क्लोराइड, फर्स्ट क्लोराइड। ट्रिस ऐसा क्यों लिखा बेटा, इसको फिलहाल टेंशन नहीं लेना है, ये खत्म होने के बाद मैं वही पढ़ाऊंगा बिस ट्रिस ये सब कैसे यूज करते हैं, है ना। बस फिलहाल नाम तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्या है बेटा, 12 नंबर का टेट्रा कार्बोनिल निकल हो गया। एक और लास्ट बचा हुआ है 13 पे, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पहले डीनेट, कितना आयन है बेटा ये क्लोराइडो पहले डीनेट, इधर से यहां पे ये माइनस चला जाएगा तो -4 इक्वल टू -2 प्लस 2 ओवरऑल आ जाए। देख लो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ओनली एक छोड़ के सब सारे के सारे सही हुए हैं, अपना नाम बताएं जरा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ओनली एक छोड़ के सारे सही हुए हैं, बोलो। अरे बोलो तो सही, बोलो तो सही। दो छोड़ के कितने कितने लोगों के सही है, दो छोड़ के, तीन छोड़ के, चार छोड़ के, दस तो टोटल। कितने सही है काव्या को खाली? यस सर। जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। क्या क्या पूछ रहे हैं, कितने सही है वैसे? हाँ ऐसे 7-8 सही थे, बाकी सब में मिस्टेक थी। कोई बात नहीं है, तो दिए हैं उसको एक बार घर पे और प्रैक्टिस करना है बिना उनके नाम देखे, समझ लिए हैं? सारे स्टूडेंट से ये कहना जा रहा है, ठीक है, सब बच्चों को क्या करना है, जो दिए थे एक बार और घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को, जैसे एक कुछ होता है बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे मैंने बताया था प्यारे बच्चों एन एन एच सर कैमरा ब्लो गया। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का मैयार, बारिश चल रही है, तूफान चल रहा है बहुत बड़ा, तो थोड़ा सा अब सही आ गया होगा। हाँ सर हाँ, तो थोड़ा बारिश भी चल रही है तो हो सकता है ऊपर नीचे टेक्निकल है,
थोड़ा सा हो जाता है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है बच्चों, जैसे इसका नाम है इथाइल 1,2-डायमीन। अब मान के चलो ये इथाइल 1,2-डायमीन, मैंने आपको बताया था अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड एक से ज्यादा है, जैसे मोनोडेंटेड अगर एक से ज्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज कर रहे थे ना, उसी तरीके से प्यारे बच्चों सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, बस बाइडेंटेड लिगेंड का नाम आएगा। उस नाम को कैसे लिखना है आप लोगों को, मैं उस बात के बारे में आपको बता दूं। आवाज तो मेरी क्लियर आ रही ना आप लोगों तक? देखिए सपोज यहां पे मैंने लिखा एन आई एन टू। अब पहली बात तो आप लोगों को EN क्या है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जिन स्टूडेंट को EN के बारे में पता नहीं तो वो कहां से कर पाए, नहीं कर पाएंगे ना। EN इसका शॉर्ट नाम क्या है वो सारे स्टूडेंट को पता होगा, मैंने साथ में लिखवाया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कहीं भी जो है कम स्टेट नहीं किया है, सारी बातें आपको बताई। अब एक से ज्यादा अगर होता मोनोडेंटेड होता तो सर आप इसको क्या बोलते बच्चों, डाई बोल देते। ये क्या कौन सा है बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, बिस। तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राकिस, है ना, ऐसे ऐसे करके इसको यूज करते हैं। क्लियर नहीं बात? अब देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, जरा देखो नाम सेम वही तरीका लिखना है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको बिस, अंदर लिखेंगे इथेन 1,2-डायमाइन। इथाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, निकिल 0, ऐसा लिख। आया समझ में? अब इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाइड करता हूं, जरा ध्यान से देखो, जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहा हो पूछेगा आराम से। निकल Cl2En2 ऐसा लिख देता हूं। अब कैसे लिखेंगे बेटा इसका नाम, जरा देखो बिस दो टाइप के हो गए, एक तो क्लोराइड हो गया, दूसरा हो गया इथेन डायमाइन। सी पहले आता है, ई पहले आता है, सी पहले आता है, तो आप क्या लिखेंगे, डाइक्लोराइडो, वही कहानी जो पहले रिपीट की थी। अब फिर लिखेंगे बिस, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में इथेन 1,2-डायमाइन। निकल सेकेंड, सेकेंड चार्ज है तो आयन लिख लो इसमें, चार्ज तो है ही ना, प्लस टू का चार्ज है, आयन तो लिख, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और देते हैं, है ना, तो ये भी आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, डायमाइन निकल, ठीक है, निकल सेकंड। आयन भी हो सकता है, चार्ज है तो उसमें आयन है तो नहीं, ठीक है। अच्छा अब एक और देखो जरा, इसी को ऐसे लिखता हूं K2NiCl2En2। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो पोटेशियम डाइक्लोराइडो, पोटेशियम डाइक्लोराइडो बिस, पोटेशियम डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डायमाइन,
ठीक है ना, और ये यहां से माइनस में इधर चला जाएगा तो निकल जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, सेम कहानी अप्लाई करनी है आपको। जैसे मैं लिखता हूं के थ्री सी ओ एक्स थ्री, सारे के सारे स्टूडेंट बिना मेरे समझाए नाम लिख के दिखाए, एन ए टू एफ ई लीजिए, के टू निकल डी एम जी टू ऐसे लिख के दिखाइए, एक डीएमजी पे कितना चार्ज लिखोगे, एक डीएमजी यहाँ पे माइनस वन चार्ज कंटेन करेगा, क्योंकि एक डीएमजी का क्या होता है, एक डीएमजी तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाता है ना, तो एक ही तो ऑक्सीजन बचता है, एक ऑक्सीजन ओएच वाला हाइड्रोजन में चला जाता है ना, और एक ऑक्सीजन पे ही तो होता है नेगेटिव चार्ज, तो एक डीएमजी का माइनस वन लेना है। लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, फिर बाद में याद आएगी, जब पढ़ाया जा रहा था तब ध्यान नहीं दिया। क्लास कितने बजे तक है प्रिया, क्या क्या टाइमिंग तक है बेटा क्लास का? 5:15। ओके सीख लो अभी के अभी, समय गुजर जाने के बाद फिर याद आएगा आपको। इस सर ने जब समझा रहे थे तो हम क्यों सोए थे उस समय, समझ रहे हैं ना? समय और ज्वार किसी की जो है प्रतीक्षा नहीं करता है, टाइम एंड टाइम वेट फॉर लॉ है ना, तो इसलिए समय है तो इसको सीख लीजिए बहुत अच्छे से, डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा,
किसी स्टूडेंट को जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल बताया है, अगर डाउट है तो बोले बेटा कि सर एक बार रिपीट करिए। समझ में आया बेटा? तुम लोगों को टाइप करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना? मैं खुद करूंगा, यहीं पे लिखूंगा, इतना टाइम मत लगाइए उसको फालतू का। हो गया तो बोलो, हो गया क्या? करूं मैं शुरू? हो गया ना बेटा? कर रहे सर। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है यार, मैंने बोला ना आपको।
चलिए मैं ही लिख देता हूँ यार, छोड़िए आप लोग, इधर देखो बेटा, एक एक करके इधर देखिए। अब आप लोगों का टाइम हो गया है, समझ भी हो रहा है क्योंकि क्यों खा लिया आप लोग जो है ना, आराम से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले वाले को कैसे लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सलेट ऑक्सलेटो है ना, नेगेटिव है ना ऑक्सलेटो, ठीक है ना। अब ये क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, कितना होगा, इतना आयन होगा, देखो कितना होगा, माइनस इसका सिक्स हो जाएगा और उधर माइनस हो जाएगा, इधर जाके ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा थर्ड, है ना। पहले वाले का ही है बेटा, दूसरा का देखो, सोडियम, है ना, क्या होगा, तीन का क्या होगा बेटा, ट्रिस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ट्रिस का मतलब क्या होता था पता है ना आपको, ट्राइन है ना, ट्राइन, ट्राइन इसको बोल रहे थे, देखो है ना। तो क्या हो रहा था, देखिए डाइथाइल ट्राइअमाइन ऐसा भी तो बोल सकते हैं, है ना, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल दो, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे लिखो, डाई वन टू फोर फाइव ऐसा लिख लो, क्या इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लो, है ना। सोडियम कितना है, ये फेरस सेकंड, कोई भी पूछ सकता है कहीं पे भी, सर आपने ये कैसे लिख दिया, कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है। तीसरा पोटेशियम, बीस, क्या कह रही है, फेरेट नहीं होना चाहिए, जोर से बोलो, फेरेट नहीं होना चाहिए, आपने नहीं बोला था कि पीछे हो तो फेरेट होगा, नेगेटिव है क्या, हाँ फेरेट है ना, फेरेट, ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइन, बीस डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइन हो गया, ठीक है ना। निकलेट, निकलेट कितना होगा बेटा, देखो कितना आयन होगा, माइनस टू, माइनस टू इसका हो गया, एक्स प्लस माइनस टू इसका हो गया, इजिकल टू माइनस टू, ये इधर जाके माइनस टू होगा ना, और ये पीछे जाके प्लस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो के आगे आयन हटा दो, गलत तो नहीं हो रहा ना। चौथा देख, चौथा देखिए, टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन बीस, क्या बेटा इसका नाम, थाइलीन, ठीक है ना, क्या नाम था इसका, डाइएथाइलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट,
है ना, और कोबाल्ट सल्फेट है ना। एक मिनट है, अब इसका चार्ज कितना होगा बेटा, देखो इसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ऐसे होता है इसका फॉर्मूला, एक यूडीटी पे कितना चार्ज आ रहा है माइनस फोर, तो दो पे कितना आएगा माइनस एट, एक्स प्लस माइनस एट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा प्लस टू, तो ये इधर एक्स इज इक्वल टू प्लस टेन है ना। एक्चुअली देखो थोड़ा सा प्लस टेन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सुन रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको ऐसा बना दो, दो कर दो इसको, तो प्लस फोर हो जाएगा, नहीं नहीं थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है क्योंकि इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइन हो सकती है, नाइन से ज्यादा नहीं हो सकती है, मैंने वो लिख दिया था उस टाइम पे, अब ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं बैलेंस करके बनाऊंगा इसको, ठीक है ना। अगर आप इसको यहाँ पर प्लस फोर करते हो तो ये तो पीछे जाके तब भी प्लस ही आ रहा है, एट और प्लस टू, एक काम करिए यहाँ पे K4 कर दीजिएगा, है ना, K4 करने से देखो तो कुछ होगा इसके, ठीक है ना, तो इसके आगे पोटेशियम भी लिखिए, सुन रहे ना, मैंने इसमें चेंज क्यों किया बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट इतना एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैक्सिमम नाइन करेगा, गलत थोड़ी ना लिख देंगे हम, समझ रहे हैं ना, उस टाइम पे मैंने लिख दिया वो अपने अकॉर्डिंग, तो फाइनली जब आंसर निकाला तो उसका पता लग रहा है उसमें, है ना, तो पोटेशियम से ये हो जाएगा, तो अब ये एट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, देखो बी ट्रिपल आई है ना, अब एट में ही करेगा क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ से ही कितना हो जाएगा, ये प्लस टू इधर प्लस फोर यहाँ से चला जाएगा, है ना, प्लस फोर यहाँ से चला जाएगा और ये माइनस फोर यहाँ से चला जाएगा, प्लस माइनस को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, अब ये वाला ऑक्सीडेशन नहीं आया समझ में, x माइनस एट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना होगा माइनस फोर इसका इधर जाएगा और इसका प्लस फोर इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा प्लस एट, आया समझ में, यहाँ दो लगा दिया ना, दो सल्फेट लगा दिए बैलेंस करने के लिए, मैंने दो लगा दिए, नहीं तो कंपाउंड एग्जिस्ट कहाँ करता बताओ, नहीं करता ना, चलो इसमें देखो कितना, पांचों में देखो पोटेशियम ट्रेस ऑक्सीलेटो फेरेट कितना आयन बना रहा है, इधर देखो सब लोग माइनस सिक्स इक्वल टू ये यहां से माइनस टू और ये यहां से प्लस टू, ये भी माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स में आ रहा है, देख लो आप लोग, देख लीजिएगा। और एक और लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं, पर लास्ट वाले सल्फेट, क्या बोल रहा सल्फेट रहेंगे, एक बार और बताओ क्या सल्फेट रहेंगे उसमें, अच्छा सॉरी हाँ सल्फेट लगा, आज मैं जो है फिक्स से जो है जल्दी से नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाइक्लोराइड हो गया है ना, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ट्रिस डाई पिरिडीन है ना,
इसलिए ना ये तीन हो गया तो ब्रैकेट में ऐसा लिख देंगे क्रिस डाइपिरिडीन, पिरिडीन वाला हो जाएगा न्यूट्रल है, कितना हो जाएगा ठीक है ना। आयरन भी बोल सकते हैं इसको या इसको फेरस बोल दीजिएगा। फेरस क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीजन है, आयरन जब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसको फेरस बोलते हैं, जब प्लस थ्री में होता है तो थ्री। कल बताऊंगा, टाइम भी हो गया बच्चों बहुत ज्यादा। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ लो भाई, देख लो एक बार। किसी को कुछ पूछना है बेटा इसमें? क्लियर हो गया क्या सभी को? सर सर हाँ, ट्रीस डाई लास्ट जो आंसर है ना उसमें ट्रीस डाई पीरियडिन पहले नहीं आएगा? डाई पीरियडिन है ना, दो पीरियडिन के लिए तो पी को लेना पड़ेगा ना, पी को लेना पड़ेगा ना, पी और सी में पहले कौन आता है? सी। हाँ और बोलो, और क्लियर है ना बेटा? बाकी सारा क्लियर है क्या सभी को? यस सर। समझ में आ गया ना बाकी स्टूडेंट? थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह थोड़ा सा निकाल लीजिएगा आराम से, जैसे रेंडमली मत निकालिए, घर पे आराम से कॉपी में उसको करके निकालिए तो निकल जाएगा, रेंडमली मत करिएगा जल्दी जल्दी से, है ना, तो फिर वो गलत होने का चांस नहीं होगा। अगर आप सेपरेटली अगर ऑक्सीडेशन एग्जाम में तो आप सेपरेटली निकालोगे, बहुत सारे कंपाउंड का एक साथ निकालने में थोड़ा क्या होता है टाइम लगता है, तो आदमी क्या करता है उसको थोड़ा रैंडमली निकाल देते हैं। जनरली सारे स्टूडेंट निकाल रहे हैं तो पता लग जाता है कहाँ गलत है कहाँ सही, लेकिन आपको क्या करना है कि घर पे जब भी करोगे तो अलग अलग सेपरेट करके सारे ऑक्सीडेशन पर भी हम थोड़ा सा और ब्लीचिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी तो आपके एग्जाम आपके सिलेबस में नहीं है ब्रीदिंग कंपाउंड के आईपीसी नंबर के लिए, लेकिन निकालना जरूरी है कि कंपटीशन में आता है ना। फिलहाल के लिए चलिए ठीक है बेटा, मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ। ओके।